सिमडेगा परिसदन सभा कक्ष में आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न प्रखंडों के समस्याओं से अवगत हुए। पार्टी की बैठक के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस से जो लात मारकर निकाल दिए गए हैं उनकी वापसी संभव नहीं है। उन्होंने लोहरदगा के पूर्व विधायक सुखदेव को इंगित करते हुए कहा कि पार्टी सिद्धांत नहीं मानने वालों के लिए पार्टी मर्जी नहीं रखती है। कांग्रेस के आउटरीच अभियान के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों के अलावे कोई भी मौत कोविड से हुई जो जांच के अभाव में सामने नहीं आई। आउटरीच अभियान इसी सच्चाई को सामने लाकर भारत सरकार को सही आंकड़े से अवगत कराएगी। कोविड से हुई मौतों के कई मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र में डेथ काउच कोविड नहीं बताने के मामले में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये एक्सपर्ट का मामला है। सिमडेगा में पानी की समस्या पर उन्होंने अगले दौरे में नगर विकास सचिव को लाकर समस्या की समाधान कराने की बात कही। सिमडेगा में अधिकारियों संग हुई बैठक में जिला के विकास समीक्षा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सरकार जब से आई है तब से कोविड संकट झेल रही है, बावजूद इसके सरकार गरीब हित के कार्य तेजी से कर रही है। सिमडेगा में विकास कार्य सही हो रहे हैं। ये तो विवाद हमसे नहीं सुलझेगा, वो तो उसके जो एक्सपर्ट है वो सुलझा पाएंगे। हाँ, इतना सही है कि कोविड उसको हुआ था, कोविड नहीं, कोविड से तो अच्छा हो गया, लेकिन इस पर अभी हम बोल नहीं पाएंगे। ये तो एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए ना, एक्सपर्ट अगर हम एक्सपर्ट उसके हैं नहीं, हम तो खोज रहे हैं शरीर कि सर्दी खांसी बुखार से कोई कितना लोग आया नहीं अस्पताल में, डॉक्टर से मिला नहीं, कोरोना जाँच कराया नहीं, लेकिन फिर भी लक्षण उसके कोरोना के थे, हम उसे लोगों को खोजेंगे और एक आंकड़ा पेश करेंगे अपनी पार्टी को। वो आंकड़ा सरकार को देगी हमारी पार्टी, और कितने बेरोजगार हुए उसका भी तो खोज रहे हैं हम, कितने लोग बेरोजगार हुए यहीं पर खोजेंगे हम लोग कि खुमचा वाला था, दर्जी वाला है, बिजली का मिस्त्री है, सब बेरोजगार हुए इस पीरियड में, वो खोजेंगे भाई तुम इस पीरियड में का के, दो महीना अभी लॉकडाउन रहा, सब सुरक्षा सप्ताह के नाम से हम बंद किए, ये और राज्य में कितना लोग बेरोजगार हो गए, ये सब खोजेंगे ना, खोजेंगे तो संभवतः भारत सरकार इस पर एक पॉलिसी बनाएगी। अभी इसको कैसे मदद किया जाए, इन लोगों को मदद करने की बात है। सरकार भी वर्तमान में नौकरियों पर ध्यान दे रही है, सरकार का कहना है कि हम बहुत जल्दी लोगों के नौकरी ला रहे हैं, मैं कहता हूँ वित्त विभाग बराबर खुला है दरवाजा, जो मांगो कर देंगे हम, हाँ नौकरी देना है जो मांगो देंगे, लेकिन होना चाहिए पैसा, वो होना चाहिए, हाँ आड़े नहीं आएगा, सरकार के पॉलिसी है, सरकार के अंग है, रोजगार देने में खास करके हम लोग आगे रहे। बताया कि सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो सही नहीं, उन्होंने कहा कि न सिर्फ न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी जो आंकड़े पेश कर रही है वो गलत, आप इससे कितना समझे? देखिए ऐसा है, बात तो समझिए पहले, हमारे पार्टी का मानना है और लोगों को भी मानना है, आप किसी लोगों को भी मानना चाहिए इस बात को कि सरकारी आंकड़े एक तरफ हैं वो सही हैं, जितने हैं, जितने लोगों का निधन हुआ है कोरोना से वो सही है, जितने लोग संक्रमित हुए अस्पताल में भर्ती हुए, जितना का टेस्ट हुआ पॉजिटिव निकले सही है, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि बहुत से लोग टेस्ट नहीं कराए और गाँव में सर्दी खांसी बुखार और सांस के प्रॉब्लम से उनको दिक्कत हुई, तो भी तो कोरोना से हुए, वो भी कोरोना से हुए। अगर हमको टीबी हो गया, डॉक्टर को नहीं दिखाए, डॉक्टर नहीं कहा कि आपको टीबी है, तो टीबी नहीं है क्या हमको, है ना? उसी तरह से खोज हम लोग, एक तरह से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, पार्टी सर्वे कर रही है कि हकीकत क्या है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम हकीकत खोज रहे हैं, हमारी पार्टी सोनिया जी राहुल जी हकीकत खोजना चाहते हैं, हकीकत क्या है, क्या कांग्रेस में पुराने लोगों को वापस लाने का प्रयास होगा? देखिए पुराने लोग कैसे लोग, नाम दीजिए कैसे लोग जो लात मारे हैं इलेक्शन के समय में, उनको लाना चाहते हैं क्या आप? जैसे तो वही कर रहे हैं ना, वो हम भी नाम आप ले लिए, हम बोले कि लात मार के गए हैं इलेक्शन के टाइम, ऐसे गए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन लड़े हैं कांग्रेस के खिलाफ
उसके लिए क्या हमको हमदर्दी होनी चाहिए कि हम आपसे प्रश्न करते हैं? अगर शरणागत हो जाए तो? शरणागत क्या होंगे, आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी जो है वो बदलता है क्या? मतलब सुखदेव भगत जी की वापसी नहीं है, कम है। मैं वो कहाँ कर रहा हूँ, आप पूछा पहले कैसे लोगों को आना चाहिए, मैंने कहा कि जो उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मैं केंद्रीय नेतृत्व से बात करके पढ़ नहीं, ठीक है ना, हमको कहा कुछ है, हम कौन होते हैं? ये सवाल तो केंद्रीय नेतृत्व को पूछना चाहिए आपको, हमसे तो हम तो उसके लिए सक्षम है नहीं। आपकी तरफ से दरवाजा बंद नहीं, दरवाजा किसी के बंद रहे, लेकिन ऐसे लोग जो कांग्रेस के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं उस पर थोड़ा सा हमको रिजर्वेशन रखना पड़ेगा, है ना। अब कांग्रेस का विचारधारा पर अलग आप रखते हैं, अलग राय आपकी है, आप नहीं मानते हैं तो हम आपके समर्थन में कैसे खड़े हो जाएंगे? जो कांग्रेस के लोग हैं जैसे आप हैं, आना चाहिए कि पार्टी में सारा सबको ले लेंगे, हम सबको ले लेंगे, जितना भी हम उसको करेंगे, पानी की जो कमी है उसको हमारी सरकार दूर करेगी, हम ठीक रहेंगे। अभी लौट करके नगर विकास मंत्री तो मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन नगर विकास सचिव जो हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे लेंगे कि क्या दिक्कत है इसमें पानी की व्यवस्था कराने में। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।